हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2021 एंड 22। तो जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ है लास्ट के एक साल के अंदर में, वो सब इस वीडियो में कवर होगा, है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अपॉइंटमेंट से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। इसीलिए करेंट अफेयर्स का ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स, इसको आपको कवर करके जाना है, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं लास्ट के वन ईयर में। चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टाटा डिजिटल के चेयरमैन कौन है। टाटा डिजिटल के चेयरमैन कौन है, तो एन चंद्रशेखरन। तो ये आप याद रखेंगे, टाटा डिजिटल के चेयरमैन कौन है, तो एन चंद्रशेखरन। ये है एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ। सीईओ कौन है आदित्य बिरला कैपिटल के, तो विशाखा म्यूले जो है ये हैं सीईओ आदित्य बिरला कैपिटल का। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल के सीईओ कौन है, तो विशाखा म्यूले। नेक्स्ट है चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो सीनियर आईएएस ऑफिसर नरेश कुमार, है ना। दिल्ली के सेक्रेटरी कौन है, तो नरेश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। मनोज पांडे कौन है, ये है नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये फिक्स है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, तो इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कौन है। चेयरपर्सन कौन है, NCMK यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन कौन है, तो इकबाल सिंह लालपुरा। ओके, इकबाल सिंह लालपुरा जो है ये हैं चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के। नेक्स्ट है न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। न्यू फॉरेन सेक्रेटरी कौन है भारत के, तो गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंटेड किया है, ये है IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज। कौन है, विनय मोहन। तो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है, तो विनय मोहन जो है ये है फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट MD एंड CEO ऑफ TCS। TCS के MD और CEO कौन है, तो राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन कौन है, ये हैं MD एंड CEO ऑफ TCS के। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के चेयरमैन कौन हैं, ये हैं एन चंद्रशेखरन। ओके, एन चंद्रशेखरन जो हैं ये हैं चेयरमैन एयर इंडिया के। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी कि NFRA। ओके, NFRA के चेयरमैन कौन हैं, तो अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जो हैं ये हैं चेयरमैन नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के। नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, इसके चेयरमैन कौन हैं, तो देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा ये कौन है, ये हैं चेयरमैन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, देवाशीष पांडा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE। CBSE के कौन है न्यू चेयरमैन। CBSE के कौन है न्यू चेयरमैन, तो विनीत जोशी। ये हैं विनीत जोशी और ये अपॉइंटेड हुए हैं न्यू चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के। नेक्स्ट SSC, है ना, नाम तो सुना ही होगा आपने। SSC के चेयरमैन कौन है, तो S किशोर हैं SSC के चेयरमैन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो S किशोर। नेक्स्ट है न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, तो डॉक्टर V अनंता नागेश्वरन।
ओके, डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ये कौन है, ये हैं न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। नेक्स्ट, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है AIIBK यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो उर्जित पटेल, ये फॉर्मर RBI गवर्नर हैं। ओके, उर्जित पटेल। नेक्स्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, 24th डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी कि DG कौन है इंडियन कोस्ट गार्ड के, तो VS पठानिया। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है, VS पठानिया याद रखना है आपको, 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट है, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, तो विक्रम मिश्री जो हैं ये हैं डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इसको भी याद रखना है आपको, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, तो विक्रम मिश्री। नेक्स्ट, और ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि NHAI के कौन है चेयरपर्सन, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है, तो अलका उपाध्याय है ना, इसको याद कर लेना है आपको, अलका उपाध्याय कौन है, तो ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन। नेक्स्ट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन कौन है, तो विवेक जोड़ी। ओके, चेयरमैन कौन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के, तो विवेक जोड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट CEO ऑफ ICC कौन है, परमानेंट CEO ऑफ ICC, तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा जियोफ एलार्डिस। ओके, ये हैं परमानेंट CEO ऑफ ICC, जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है, नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, तो वाइस एडमिरल RHRI KUMAR। ठीक है, कौन है नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, तो वाइस एडमिरल RHRI KUMAR। नेक्स्ट, फिकी यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट कौन है, तो हर्षवर्धन नियोतिया, और CEO कौन है, तो संगीता रेड्डी, इन दोनों नाम को भी याद रखना है। फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है, तो हर्षवर्धन, और CEO कौन है, तो संगीता रेड्डी। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया कौन है, प्रेसिडेंट बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, तो हेमंत विश्वा शर्मा जो है ये हैं प्रेसिडेंट बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, हेमंत विश्वा शर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, चेयरमैन ऑफ भारत पे के चेयरमैन कौन है, भारत पे के चेयरमैन हैं फॉर्मर SBI चीफ रजनीश कुमार। ठीक है, रजनीश कुमार कौन है, ये हैं चेयरमैन ऑफ भारत पे। नेक्स्ट, सियोमारा कास्त्रो वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो सियोमारा कास्त्रो को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, होंडुरस को। ठीक है, होंडुरस यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, और ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि चेयरमैन ऑफ LIC के चेयरमैन कौन है, तो MR KUMAR हैं, MR KUMAR ये हैं LIC के चेयरमैन। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इटली के प्रेसिडेंट कौन है, ये भी नए बने हैं प्रेसिडेंट इटली के, तो राइट आंसर क्या होगा, सर्जियो मैटरेला यहाँ पे होगा राइट आंसर। ओके, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो आमिर सुभानी कौन है, ये हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। तो इन तीनों को भी आपको याद रखना है, LIC के चेयरमैन MR KUMAR, इटली के प्रेसिडेंट सर्जियो मैटरेला, और चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार कौन है, तो आमिर सुभानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि MD एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक ये कौन है, तो बलदेव प्रकाश हैं। ठीक है, बलदेव प्रकाश। न्यू चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड, तो कौन है,
न्यू चेयरमैन और सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड के, तो विनय कुमार त्रिपाठी ये है। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो दुर्गा शंकर मिश्रा हैं, है ना, इसको आपको याद रखना है। चीफ सेक्रेटरी कौन है उत्तर प्रदेश के, तो दुर्गा शंकर मिश्रा। फर्स्ट वोमेन चेयरमैन एंड MD ऑफ ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये कौन है, अलका मित्तल। ओके, इन दोनों को भी आपको याद रखना है, फर्स्ट चेयरमैन एंड MD कौन है ONGC के, तो अलका मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये कौन है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है, नेस्कॉम के चेयरपर्सन कौन है 2022 और 23 के लिए, तो कृष्णन रामानुजम इनका नाम है। नेस्कॉम के कौन है चेयरपर्सन, तो ये हैं कृष्णन रामानुजम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी, सेबी के चेयरमैन कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन है, तो यून सुक योल जो है ये है न्यू प्रेसिडेंट। और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है, तो अजय भूषण पांडे हैं। नेक्स्ट है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के न्यू प्रेसिडेंट कौन है, फ्रांस के न्यू प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन कौन है फ्रांस के न्यू प्रेसिडेंट। अब कुछ और इम्पोर्टेंट देखेंगे, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो NV रमना, ये 48 चीफ जस्टिस हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है भारत के, तो KK वेणुगोपाल, 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, KK वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता, ये तीनों को याद रखना है, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये कौन है, तो GC मुर्मू, 14th है ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है, तो सोनाली सिंह है, 26th है ये सोनाली सिंह। नेक्स्ट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सुशील चंद्र हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो सुरेश एन पटेल हैं, है ना। नेक्स्ट है, CBDT के चेयरमैन कौन है, तो जगन्नाथ महापात्रा जो हैं ये हैं चेयरमैन CBDT के। AAI के चेयरमैन कौन है, तो संजीव कुमार है, ये चारों को आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा। नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ RBI से भी क्वेश्चन आएगा, गवर्नर कौन है RBI, तो शक्तिकांत दास हैं। चार डेप्टी गवर्नर होता है RBI का, तो कौन कौन है, टी रावि शंकर, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और M राजेश्वर राव, ये हैं चार डेप्टी गवर्नर जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट, SBI के चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खर्रा, ये हैं SBI के चेयरमैन। सेबी के चेयरमैन कौन है, तो माधवी पुरी बुच हैं। नेक्स्ट, और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आप देख लीजिए जो कि पूछ सकता है, कि चेयरमैन ऑफ FSSAI कौन है चेयरमैन, तो रीता तेवतिया। NSE के चेयरमैन कौन है, तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है, संजीव मेहता। चलिए नेक्स्ट है, IRDAI के चेयरमैन कौन है, देवाशीष पांडा। नेक्स्ट है, CBI के DG कौन है, तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। IB के चीफ कौन है, तो अरविंद कुमार हैं। रॉ के चीफ कौन है, तो सामंत गोयल। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, अजीत डोवाल। ये भी चारों इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के CEO कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। इसरो के चेयरमैन कौन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, S सोमनाथ। DRDO के चेयरमैन कौन है, G सतीश रेड्डी। और BARC के चेयरमैन कौन है, अजीत कुमार मोहंती जो हैं ये हैं चेयरमैन। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे
जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे दिया होगा, और या तो आप पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे एक और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।